इंदौर के विजयनगर पुलिस लगातार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस ने अब तक एक दर्जन से अधिक आरोपियों को इस कालाबाजारी के अपराध में गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी सुनील मिश्रा, पुनीत शाह और कौशल वोरा को गुजरात से इंदौर लाकर पूछताछ करेगी। सुनील मिश्रा मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला है। यूपीएससी प्री क्लियर कर चुका है और मेंस क्लियर नहीं कर पाया था। वर्तमान में इंदौर में व्यवसाय कर रहा था। उसका परिवार इंदौर में रहता है और आरोप मिश्रा ने गुजरात के मोरबी में नकली फैक्ट्री के मालिक पुनीत शाह और कौशल वोरा से संपर्क किया। मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक नकली इंजेक्शन बेचे और जिसमें से करीब 700 इंजेक्शन इंदौर शहर में खपाए हैं। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने कुछ दिनों पहले नकली इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी को पकड़ा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने एक के बाद एक कई लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद मुख्य आरोपी सुनील मिश्रा और पुनीत और कौशल तक जा पहुंचे। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने गुजरात के सूरत पुलिस से संपर्क किया और मरोबी से ग्लूकोज और नमक से बन रही नकली इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और तीनों आरोपियों को इंजेक्शन सहित गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री फार्म हाउस पर संचालित थी, जहां पर विजयनगर पुलिस की जांच लगभग उन सभी पीड़ित परिवारों तक पहुंच चुकी है जिन्होंने नकली इंजेक्शन खरीदे थे। अब तक करीब 50 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस को एक बड़ी सफलता गुरुवार को हाथ लगी, जहां पर 700 में से 100 नकली इंजेक्शन की खेप बेचने वाले एक आरोपी यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष प्रशांत पराशार को गिरफ्तार किया गया है, जो पेशे से इंजीनियर है और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि सुनील मिश्रा से उसने खरीदे थे इंजेक्शन और इंदौर जिले से बाहर बेचे हैं, जहां पर प्रशांत यूथ कांग्रेस से जुड़ा सक्रिय नेता है और सागर में यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी रह चुका है। मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला आरोपी सुनील मिश्रा यूपीएससी क्लियर नहीं करवाया। उसके बाद लॉकडाउन में पिछले साल ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल उपकरण से जुड़े चीज़ों का व्यापार करने लगा और उसी क्रम में उसकी मुलाकात गुजरात के पुनीत शाह और कौशल बोरा से हुई। पुनीत और कौशल ने उसे 8 अप्रैल को संपर्क किया और फैक्ट्री में नकली इंजेक्शन बनाने का कारोबार शुरू करने की प्लानिंग की। 20 अप्रैल को सुनील मिश्रा गुजरात से 700 नकली इंजेक्शन लेकर मध्य प्रदेश आया, जिसमें 200 इंजेक्शन इंदौर में, 500 इंजेक्शन जबलपुर भेज दिए गए और 26 अप्रैल को दोबारा 500 इंजेक्शन इंदौर के लिए लेकर आए गए और जहां पर इंदौर में उसे बेच दिया गया और उसने 500 इंजेक्शन खुद और 100 प्रशांत और साथ ही में 100 दवा व्यापारी आशीष ठाकुर को बेच दिए। यदि हम पूरे मामले की बात करें तो नकली इंजेक्शन गुजरात के मोरबी से सुनील मिश्रा 700 लेकर आया था। पहली खेप उसने 200 इंजेक्शन और दूसरी खेप में 500 इंजेक्शन, कुल 700 नकली इंजेक्शन इंदौर में बेचे हैं। आरोपी प्रशांत पराशार ने 100 नकली इंजेक्शन बेचे जो उसमें आरोपी मिश्रा से खरीदे थे और सुनील मिश्रा ने दवा बाजार के दलाल चीकू सुनील लोधी की मदद से मेडिकल संचालक आशीष ठाकुर को 100 इंजेक्शन बेचे थे। बाद में आशीष ठाकुर ने इसी नकली इंजेक्शन को दूसरे मेडिकल संचालक गौरव केसवानी को बेचे और साथ ही में गौरव केसवानी ने सावेर छोला छाप डॉक्टर सरवर खान और दवा बाजार के मेडिकल दुकान में काम करने वाले गोविंद को बेचे हैं। एक के बाद एक सभी आरोपियों की कड़ी पूछताछ में मिलती गई और फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। आशीष ठाकुर, सुनील लोधी, चीकू और साथ ही में प्रशांत पाराशार, गोविंद गुप्ता, गौरव केसवानी और सरवर खान। साथ ही आरोपी के फोटो जब वायरल हुए उसके बाद में एक पीड़ित ने आकर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां पर उसने बताया कि नकली इंजेक्शन रेमडेसिविर के कारण उसके फूफा की मौत हो गई है। यह बयान देते हुए एक पीड़ित विजयनगर थाने पहुंचा और उसने बताया कि अरविंदो अस्पताल के पास से कुछ दिन पहले उसने 5 इंजेक्शन 50,000 रुपए में एक आरोपी से खरीदे थे। 11 दिन पहले इलाज के दौरान उसके फूफा की मौत हो गई, जबकि उनको 5 इंजेक्शन लग चुके थे और नकली इंजेक्शन लगने की वजह से उसके फूफा की जान नहीं बच पाई। जहां पर आरोपियों को फोटो वायरल हो जाने के बाद पीड़ित परिवार विजयनगर थाने पहुंचा और वहां पर अपना बयान दर्ज कराया। अब तक 50 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं जिन्होंने ग्लूकोज और नमक से बने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे थे। जो नकली रेमडेसिविर मामले में प्रशांत पराशर नामक युवक को अरेस्ट किया गया है, उसको जो जानकारी मिली थी कि सुनील मिश्रा द्वारा 100 इंजेक्शन दिए गए हैं
पर युवक द्वारा जो बताया गया है वो खुद बता रहा है 66 इंजेक्शन लिए थे और उसमें जब जानकारी मिली थी तो कुछ इंजेक्शन उसने नदी में फेंक दिए, तो शेष इंजेक्शन के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। किस पार्टी से जुड़ा हुआ है प्रताप, क्या पूछताछ? पूछताछ पर उससे जो जानकारी उसने अपनी तरफ से बताया था कि वो पहले पीपुल्स कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद में उसने SI की तैयारी भी की, जब उसमें नहीं हो पाया पॉलिटिक्स में चला गया। पॉलिटिक्स में हुआ भी बता रहा सागर जिले में कोई कांग्रेस युवक कांग्रेस में कुछ पदाधिकारी भी था और जो हम ट्रैक करने के लिए उसका जो पता किया था तो फेसबुक वगैरह पे भी उसकी ट्रैकिंग में पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना पाया गया है। और अभी पूरे मामले में परिजन सामने आ गए, कितने परिजनों के बयान दर्ज हो चुके हैं सर? इंदौर में जो जानकारी मिली उसके आधार पर 650-700 के लगभग इंजेक्शन इंदौर में उसके द्वारा बेचे जाना पाया गया था। इसके आधार पर अभी तक हमने जो मोबाइल ट्रैकिंग और जो दूसरे है और अभी पेपर पढ़ने के बाद जो लोग कंसर्न कर रहे हैं उसमें इंजेक्शन जो इतने याद भी उनका तो लगभग हिसाब पूरा हो चुका है और जो स्टेटमेंट देने के लिए आ रहे हैं लगभग 40-50 लोग स्टेटमेंट हो चुके हैं जो आके बता रहे हैं कि किस प्रकार इंजेक्शन लिया था, कौन सा नंबर लगाया गया था, फिर कहाँ पर इंजेक्शन दिया था, परिवार परिजन कहाँ पर भर्ती थे और इंजेक्शन का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ें कुछ स्टेटमेंट अभी ले रहे हैं। फैक्ट्री संचालक और मुख्य आरोपी सुनील मिश्रा पुनीत और कौशल वर्मा को गुजरात से विजयनगर पुलिस कब्जे कराई गई और अगली पूछताछ में क्या है उनकी? जो गुजरात पुलिस द्वारा जो अरेस्ट किया गया उनको यहाँ इंदौर लाने की जो वैधानिक प्रक्रिया है वो की जा रही है, माननीय न्यायालय द्वारा इसके लिए आदेशित कर दिया गया है। अब वो गुजरात पुलिस जब उसको TR के बाद जेल के लिए भेजेगी तब उसको इंदौर लाया जाएगा। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।